खबर जनपद सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर समाज सेवी संगठन सुरसल युवा एंटी करप्शन टीम के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर स्थित रक्त कोषा में संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं के रक्तदान किया गया। वहीं इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष राम मीणा तिवारी, संस्थापक उपाध्यक्ष विकास मिश्रा, जिला अध्यक्ष अंकुर सिंह, मीडिया प्रभारी राजीव तिवारी, विधिक सलाहकार देवेंद्र पाठक के साथ साथ संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता अमित तिवारी, सचिन यादव, वैभव श्रीवास्तव, अमरजीत पांडे, महेंद्र यादव और मोहित गुप्ता सहित कई लोगों ने रक्तदान किया गया। वही संगठन के उपाध्यक्ष विकास मिश्रा ने बताया कि स्वस्थ लोगों को रक्तदान जरूरी करना चाहिए। वहीं आपके रक्तदान करने से किसी दूसरे को नया जीवन मिल सकता है। साथ में ही अधिवक्ता विपिन मिश्रा ने दिनेश शर्मा आदि लोगों की उपस्थिति रही। देखिए पूरी रिपोर्ट राजीव तिवारी की, खास रिपोर्ट सुल्तानपुर। नमस्कार, इस समय हम जनपद सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक के पास खड़े हुए हैं और आज बताते चले कि स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम का स्थापना दिवस है, जहां पर वहां संगठन के पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष विकास मिश्रा जी, विधिक सलाहकार देवेंद्र पाठक जी और संगठन के कार्यकर्ता सचिन यादव, अमित त्रिपाठी, वैभव श्रीवास्तव के साथ साथ और भी अधिवक्तागण यहाँ पर खड़े हैं। आइए हम जानते हैं। आज स्पेशल युवा एंटी करप्शन जो संगठन है सामाजिक, उसका स्थापना दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमारे संगठन का रजिस्ट्रेशन 2018 आज ही के दिन संपन्न हुआ था और आज तीसरा स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और उस उपलक्ष्य में एक छोटा सा जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में रक्तदान 6 लोगों के द्वारा करवाया गया है और आज बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि हमारे संगठन का स्थापना दिवस है। हम आगे भी यह कार्यक्रम लगातार जारी रखेंगे। स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम के विधिक सलाहकार से आइए बात करते हैं, देवेंद्र पाठक जी भी यहाँ मौजूद हैं। आज कुछ लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया स्थापना दिवस पर, तो उन रक्तदानियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? जी, जितने भी रक्तदानियों ने आज रक्तदान किया उनको साधुवाद, धन्यवाद संगठन की तरफ से, तथा संगठन के हमारे उपाध्यक्ष विकास मिश्रा जी, अध्यक्ष चामबड़ी जी तथा तमाम आए हुए रक्तदानी सभी जो है बहुत ही नेक और पुण्य का काम किए हैं। हमारा संगठन भी सोशल व एंटी करप्शन टीम ये लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यों को कर रहा है। रक्तदान और तमाम कार्य जो है संस्था के द्वारा लगातार किए जाते रहे। हम अपेक्षा करेंगे कि और इससे भी बड़ा कार्यक्रम जो है जन सामान्य का सेवा का पुण्य का कार्य संगठन के माध्यम से किया जाए। बाकी आप सभी लोगों का साधुवाद। हमारे विभिन्न मिश्रा जी एडवोकेट हैं, हमारे कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, आपसे भी जो है वकील साहब आप भी इस मौके पर पहुँचे हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? रक्तदान लोगों को करना चाहिए और लोगों को रक्तदान करने से जीवन दान मिलता है, इस बारे में आप थोड़ा सा जनता को बताइए। देखिए, रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं होता। रक्तदान करके हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। आज के समय में अधिकतर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी बीमारियों में खून की कमी हो जाती है। हमारी संस्था जो है वो ऐसी किसी भी लोगों को जिसको आवश्यकता हो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करे, हम और हमारी संस्था उनको ब्लड डोनेट करवाती है। जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं वो रखा रहता है किसी के भी कार्ड पर, वह ब्लड जो है उनको उपलब्ध करवाया जाता है।